राजस्थान विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद सुखबीर जौनपुरिया भरतपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि दूर दूर तक सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। मैं समझता हूं कभी दूर दूर तक नहीं हो सकता। प्रदेश का जिस हिसाब से मुखिया 5 साल अशोक गहलोत जी रहे हैं और आज पूरे MLA उसके साथ हैं, तो कोई दूर दूर तक भी नहीं है, ना कोई सोच सकता, ना बात में है, ना कांग्रेस में कोई चर्चा, ना सचिन पायलट के पास कोई चर्चा, ना अशोक गहलोत के पास कोई चर्चा। तो मैं समझता हूँ दूर दूर तक भी कहीं मौका नहीं है। सूबे की कमान पूरे 5 साल जादूगर या कहें कि अशोक गहलोत ने संभाल रखी थी। सारे मंत्री सारे MLA सिर्फ गहलोत का ही गुणगान करते हैं। इससे भी बड़ी बात ये कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान में भी सचिन पायलट की कोई चर्चा नहीं है। तो इससे साफ है कि अगर कांग्रेस का बहुमत आता है तो फिर एक बार जीत का सहरा गहलोत के सिर पर सजेगा और राजस्थान की कुर्सी भी गहलोत के लिए रिजर्व रहेगी। बड़ी बात, 2018 में जो चीज की गई थी, कोई भी समाज क्यों नहीं हो, 2013 का मैं आपको बताऊं, 2013 में किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी बनाई राजप्पा, और जो मूल वोटर कांग्रेस का था, उन्होंने जब ये देखा कि शायद ये मुख्यमंत्री बन सकता है, सारा मीणा समाज उसमें चला गया। उसके बाद में तुरंत लोकसभा में कांग्रेस में चला गया। 2018 में सेम यही सिचुएशन हुई कि सचिन पायलट को चेहरा बनाया गया, शायद ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हर समाज की इच्छा होती है कि कोई भी समाज हो वो इस बात चाहता है। तो हमारे समाज ने भी इच्छा जाहिर की यार अच्छे मुख्यमंत्री बन जाते, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो सारे समाज ने पहली बार, जब आप मान के आरक्षण के दौरान में भी हमारे 3 BJP जीते थे विधायक और 3 कांग्रेस में, पहली बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी का एक भी गुर्जर विधायक नहीं जीता।